सुनाज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबर रायपुर से, जहां पर अक्सर विवादों में रहने वाला द रेडिएंट स्कूल एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला एक बड़े हादसे से जुड़ा है। मामला 25 फीट की ऊंचाई से गिरी बच्ची का है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती है। दरअसल राजधानी के रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर में लगे रेडिएंट स्कूल में एडवेंचर नाइट कैंप का आयोजन किया जा रहा था। इसमें हिस्सा ले रही स्कूल की 11 वर्षीय बच्ची कार्तिका जिप लाइनिंग कर रही थी। इस दौरान बच्ची के परिवार वाले भी वहां मौजूद थे। तभी एडवेंचर के दौरान बच्ची 25 फीट की ऊंचाई से जमीन पर जा गिरी। फिलहाल कार्तिका का इलाज जारी है और वह खतरे से बाहर है, लेकिन इस घटना ने स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा में बढ़ती गई लापरवाही को उजागर कर दिया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल की प्राचार्य भावना दुबे, निदेशक समीर दुबे और एडवेंचर कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। ऊपर देखना, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो। रेडिएंट में स्कूल में एडवेंचर कैंप के आयोजन के दौरान 11 वर्षीय बच्ची के नीचे गिरने से वो गंभीर रूप से घायल है। एम्स में उसका इलाज चल रहा है। हम अभी रेडिएंट में स्कूल के सामने खड़े हैं। यहाँ पर स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार से बातचीत किए जाने से मना किया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को यहाँ पर अंदर बुलाया भी नहीं जा रहा, किसी प्रकार से बातचीत उनसे नहीं की जा रही है। निश्चित तौर पर एक गंभीर लापरवाही स्कूल प्रबंधन के द्वारा बरती गई। बिना सुरक्षा के इंतजाम किए इस एडवेंचर कैंप का आयोजन यहाँ पर कराया जा रहा था, जिसमें जो 11 वर्षीय बच्ची है वो 25 फीट के नीचे से यहाँ पर गिर गई और उसका इलाज एम्स में चल रहा है। वो अभी जिंदगी और मौत से के बीच वो जूझ रही है। एम्स में उनका इलाज चल रहा है। हालांकि जिला शिक्षा अधिकारी और जो बच्ची के परिजन है उनकी ओर से स्कूल प्रबंधन के खिलाफ और जो एडवेंचर कंपनी है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है। मामले में पुलिस ने भी मामला दर्ज करने के बाद स्कूल प्रबंधन से का बयान ले रही है। इसके साथ ही आज स्कूल की मान्यता खत्म करने को लेकर भी यहाँ पर नोटिस दिया जा सकता है। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। तस्वीरें रायपुर से दिखा रहे हैं। 25 फीट की ऊंचाई से यहां पर बच्ची गिर गई है। एडवेंचर नाइट कैंप का आयोजन किया गया था, जिस दौरान यह हादसा हुआ है। जिप लाइनिंग के दौरान यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर जिप लाइन पर जब बच्ची को चढ़ाया गया और उसी दौरान रस्सी टूटकर नीचे गिरी और बच्ची भी नीचे गिर गई। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत अभी टॉर्मल बताई जा रही है। ऊपर देखना, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो। द रेडिएंट स्कूल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, रायपुर का है, जहां पर एडवेंचर नाइट कैंप का आयोजन किया गया था। 25 फीट की ऊंचाई से यह जिप लाइनिंग कर रही थी, उसी दौरान वो रस्सी टूट गई और कार्तिका नीचे जा गिरी। फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उसका इलाज जारी है।